पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया, जो उन्होंने किया था उनके सामने आया। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। अखिलेश के मित्र हैं ना सब लोग। किस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? निकाय चुनाव को लेकर भारतीय पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कम समय रह गया है बिल्कुल निकाय चुनाव में, नाम सब सामने है, उस पर पार्टी काम कर रही है। समाज के लोगों को किस तरह से जोड़ने की कोशिश की गई है? भारतीय पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के आधार पर काम करती है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं जसवंत सिंह सैनी जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो निकाय चुनाव पर अभी मतदाता सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है, किस तरह की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर। सर किस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? निकाय चुनाव को लेकर भारतीय पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बूथ तक की रचना हमारी हो गई है संगठनात्मक, और अभी 2-3 दिन में यहाँ से टिकट भी सबके फाइनल हो जाएंगे और चुनाव मैदान में उतरे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन था, समाज के प्रभावी लोग जो लोगों को प्रभावित करते हैं सबको बुलाया गया था। कम समय रह गया है बिल्कुल निकाय चुनाव में, अभी तक नाम सामने नहीं आ रहे। नाम सब सामने है, उस पर पार्टी काम कर रही है। मैंने कहा 2 दिन के अंदर सब क्लियर हो जाएगी। समाज के लोगों को किस तरह से जोड़ने की कोशिश की गई है इस चुनाव में? भारतीय पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के आधार पर काम करती है, तो इसलिए सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और सबको साथ लेकर के चलने की हमारी जो नीति है उसके आधार पर हम काम करते हैं। पूरे समाज का समर्थन भारतीय पार्टी। अच्छा, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया, उसके एक साथी को भी ढेर कर दिया। देखिए भाई, जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जो उन्होंने किया था उनके सामने आया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर उसे एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। अखिलेश के मित्र हैं ना सब लोग, अपने मित्रों की कोई बात को तो सही ठहरावेगा ही। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में जसवंत सिंह सैनी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के द्वारा जो दिए गए बयान को सीधे तौर पर कहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव के ऐसे लोग मित्र हैं, तभी उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। अपने सहयोगियों के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।